बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप हमारा फेसबुक पे यहाँ से देख लें, इसको आपने लाइक कर लेना है, ठीक है। यहाँ से facebook.com/UVAPK, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से आपने इसको जो है लाइक कर लेना है यहाँ पे आके, ठीक है। ओके, लाइक कर लें। उसके बाद जो आप हमारी पोस्ट यहाँ से देख लें, उसको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ भी, और कमेंट करें अगर आपको अच्छी लगती है तो। उसके बाद यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ये हमारी URL है, यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर लो। यहाँ डायरेक्टली आप जाके यूट्यूब में लिखोगे यूनिक विजन अकेडमी, तो वो भी आपको सर्च करके दे देगा, यूनिक विजन अकेडमी ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। तो यूनिक विजन अकेडमी ऑफिशियल वाला पेज है, उसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है। जो यूनिक विजन UVAPK है, वो भी हमारा पेज है, लेकिन जो न्यू वीडियो है हम इसी पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये इसकी जो है URL है हमारे पेज की, ठीक है। उसके बाद आप ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे ये भी /UVAPK, ठीक है। यहाँ पे आप जो है फॉलो कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है जिसपे तमाम कोर्सेज अपलोड कर दिए जाएंगे, वो आप यहाँ से जो है देख सकते हो, ठीक है। स्टडी कर सकते हो जितने भी हमारे कोर्सेज होंगे, ठीक है। इसको हम अपडेट करते रहेंगे, और डाउनलोडिंग वगैरह जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे और फेसबुक उसके वर्डप्रेस के प्लगइन वगैरह सॉफ्टवेयर सारे इस पर, यहाँ पे आपने ब्लॉग में आ जाना, तो यहाँ पे हमने जो है अपलोड किए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जब आप आ जाओगे तो ये सारी जितनी पोस्ट होंगी, जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे, यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो जो भी आपको चाहिए होगा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है या आप कोई कोर्स ऐसा जो आप करवाना चाह रहे हो, तो वो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये यहाँ पे जितने भी हैं ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए ये मेरा नंबर है, ठीक है। इस पर आप मुझे SMS या कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे कर सकते हो, ठीक है, या ईमेल कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो हमें, ठीक है। अब ये पोस्ट है, यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं मिल रहे तो आपने यहाँ पे आ जाना, ब्लॉग का होगा या मैं इसको चेंज कर दूंगा लेटेस्ट पोस्ट में, या डाउनलोड्स में भी मैं इसको मैं भी कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने मोटर ड्राइवर को ड्रिनो के साथ कैसे इंटरफेस करना है, उससे मोटर्स कंट्रोल करनी है। दो मोटर्स हम एक ड्राइवर से कंट्रोल करवा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये मोटर ड्राइवर होता है, ये हमारे पास L2980, ठीक है, ड्यूल मोटर ड्राइवर होता है ये। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है ये एक यहाँ मोटर लगती है और एक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मोटर यहाँ पे अपने 6 वोल्ट देने, 5 वोल्ट देने होते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट जो भी आप इन दोनों में से देना चाहते हो, 12 या 6 वोल्ट आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये IN1 है, उसके बाद IN2, IN3, IN4 यहाँ पे इनपुट देनी होती है आपने आर्डिनो से लेके, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 यहाँ से, और उसके बाद ये हमारे पास आउटपुट मोटर लग जाएंगी यहाँ पे, एक मोटर इधर और एक इधर। तो ये हमारे पास जंपर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, अगर हमने उसकी स्पीड को कंट्रोल करवाना तो ये करवा सकते हैं। ये वाला जो जंपर है इसको अगर रिमूव कर दें तो हमारा जो इस पर हमने सप्लाई दी है वो ऑफ हो जाएगी। इसके हमने अब कनेक्शन कैसे करने हैं, यहाँ पे देखें, ये एक मोटर हमने यहाँ पे लगा दिया, मैं इसको रेड कर लेता हूँ, एक ये लगा दी है और एक ये, और यहाँ इसी तरह हमने यहाँ पे पिन, यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ये इनपुट दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 पिन है, ये इनपुट है, और ये जो बाकी एक ये वाली वायर और ये वाली वायर जो है, ये हमने स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज की हुई है कि हमने मोटर को किस स्पीड से चलाना है। और ये देखें यहाँ पे इसने 12 6 वोल्ट का हुआ है, यहाँ पे 5 वोल्ट भी दे सकते हो, 12 वोल्ट भी दे सकते हो, 6 भी,
ठीक है, ये पॉजिटिव। और यहाँ पे इसकी ये जो नेगेटिव है इसको हमने एक तो जो सप्लाई हमने इसको देनी है उसके साथ कनेक्ट करना, और दूसरा इस नेगेटिव को हमने एड्रिनो के साथ भी कनेक्ट करना। जैसे कि यहाँ पे उसने दिखाया भी हुआ है, मैं इसको रिमूव करूँ, सॉरी वो भी रिमूव हो गया। अच्छा मैं इसके साथ ये उसने जो है ब्लैक शो की है, यहाँ पे बैटरी लगी है ठीक है, ब्लैक यहाँ पे ऐसे जा रही है इसकी, यहाँ पे नेगेटिव, और वही नेगेटिव इसने उसको अड्रिनो के साथ भी कनेक्ट किया। ये कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो है मोटर्स है वो वर्क नहीं करेंगी। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है मोटर को कंट्रोल करने के लिए। पिन मोड 7 को हमने आउटपुट किया, 8 को आउटपुट किया, 9 को आउटपुट किया, 10 को आउटपुट किया और 12 को आउटपुट किया, सॉरी 11 को आउटपुट किया। ये जो 11 वाली पिन है इसमें हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पे 8 और 9 को हाई किया, 8 और 7 को हाई किया, उसके तो बाद 7 और 8 को, 10 और 12 को, 10 और 11 को ठीक है। इसमें से हमने जो एक पिन है 9 वाली ठीक है, इसको हमने स्पीड कंट्रोल के लिए यूज कर लिया ठीक है। एनालॉग राइट 9 देखें, अब यहाँ पे वो 9 शो भी कर रहा है और 0 0 ठीक है। अच्छा इसके लिए हमने उसकी स्पीड को कंट्रोल करना होता है, और पहले हमने लिखा डिजिटल राइट हाई, यानी 8 को हाई करो और 7 को लो करो ठीक है। इसी तरह हमने 8 को लो किया, 7 को हाई किया, इसी तरह हमने 10 को हाई किया और 11 को लो किया, इसी तरह फिर हमने 11 को लो और 10 को हाई। इसमें होगा क्या कि फर्ज करें यहाँ पे जो एक मोटर यहाँ पे फॉरवर्ड मूव कर रही है तो यहाँ पे वो रिवर्स मूव करेगी, इसी तरह दूसरी जो मोटर है यहाँ पे फॉरवर्ड है तो यहाँ पे रिवर्स मूव करेगी। तो इस तरह आपने जो है इंटरफेस प्रॉब्लम अपनी मोटर को या अपने मोटर ड्राइवर को आर्डिनो के साथ।